दोस्तों, आप सभी का आर्ट अटैक की अनोखी और रंग बिरंगी दुनिया में स्वागत है। आप तो जानते ही हैं, ये एक ऐसा शो है जो आपको बताता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना कितना आसान है। चलिए बनाते हैं कुछ मजेदार चीजें और उनसे कुछ सीखते भी हैं। आज हम बनाएंगे आपका खुद का कांटेदार पेंसिल होल्डर, एक डिजाइन जो बड़ा नहीं अनंत है, एक तकनीक आपकी क्रिएटिविटी को और तेज बनाने के लिए, एक छोटा डिब्बा बड़ी यादों को संभालने के लिए, और हमारे आपके सबके मनपसंद नारियल अन्ना के साथ मजेदार बातें। हरा रंग स्केच पेन नहीं, ये क्या है? इरेजर नहीं, ये शार्पनर नहीं, अरे मिल गई हरी पेंसिल। अगर आपका सारा सामान एक दूसरे में मिलाओ, मतलब पूरी खिचड़ी हो, तो बहुत गुस्सा आता है ना। मेरे पास एक बढ़िया तरीका है जिससे आप अपनी पेंसिल्स को ढंग से रख सकते हैं और जब आप कोई कलर ढूंढे तो वो आपको तुरंत मिल जाए। मिलिए पॉर्क्यूपाइन पेंसिल होल्डर से। चलिए इस पर हरा कांटा लगाते हैं। ये आपके पेंसिल्स को रखने और टेबल को सजाने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। तो चलिए इसे बनाकर देखते हैं। एक मजबूत कार्डबोर्ड के टुकड़े पर पॉर्क्यूपाइन की आउटलाइन बनाइए। इसे इस तरह से बनाइए जैसे आप उसे ऊपर से देख रहे हो। एक ओवल आकार बनाइए जो दिखने में अंडे जैसा हो। इसकी नाक के लिए आधा सर्कल बनाइए। साइड में चार पैर बनाइए इस तरह से। क्या बात है! अब किसी बड़े की मदद लीजिए और उनसे कहिए कि आउटलाइन को आपके लिए काट दें। शरीर के लिए एक न्यूज़पेपर से अंडा आकार बनाइए और इसे एक साथ रखने के लिए जितना हो सके उतना एडिसिव टेप लगाइए ताकि ये बिखरे ना। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो अंडे आकार पर और न्यूज़पेपर लगाइए और उसे भी टेप से चिपका दीजिए। एक बार ये हो जाए फिर इसे उस पॉर्क्यूपाइन के बिल्कुल बीच में लगा दीजिए जिसे आपने कार्डबोर्ड से बनाया था। अब टेप की मदद से इसे भी जगह पर लगा दीजिए इस तरह से। देखिए ये एकदम चिपक चुका है। इसे मजबूत रखने के लिए आप टेप की लंबी लंबी पट्टियों का इस्तेमाल करें। अब नाक बनाने के लिए पेपर से इस साइज की गेंद बनाइए। पहले इतनी जगह छोड़ दीजिए और फिर टेप की मदद से इसे भी जगह पर चिपका दीजिए। पैर के लिए भी छोटी छोटी गेंद बनाइए, इसे भी कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए इस तरह से। याद रहे आपको ऐसी चार गेंद बनाकर उन्हें साइड में चिपकाना है। जरा देखिए तो ये कितना मजेदार दिख रहा है। इन पेपर से बनी गेंदों की वजह से आपके पॉर्क्यूपाइन को उसका आकार मिल गया है। अब हम इसे पेपर मैशे से ढकने वाले हैं ताकि बाद में आप इसमें अपनी पेंसिल रख पाएं। पेपर मैशे के लिए आपको चाहिए न्यूज़पेपर के टुकड़े, पानी और ग्लू। अब जरा ध्यान दें, पेपर मैशे बनाने के लिए न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पानी में एक पूरा दिन भिगो कर रखिए और जब ये न्यूज़पेपर के टुकड़े पानी सोख लें तो इस मिश्रण को एक छन्नी में डालें और दबाकर सारा पानी निकाल लें, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। अच्छी तरह निचोड़ने के बाद हम इसमें थोड़ा ग्लू डालेंगे। और इसे अपने हाथों से मिलाएंगे जब तक ये ठोस नहीं हो जाता। ये होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब अपनी स्लीव्स को ऊपर करें और हाथ गंदे करने के लिए तैयार हो जाइए। पर घबराइए मत, ये सिर्फ पेपर, पानी और ग्लू ही तो है। वैसे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, जब भी आप इस तरह का काम करें जिसमें आपको हाथों का इस्तेमाल करना हो तो आपको एक ऐसी टी शर्ट पहननी चाहिए जो अगर गंदी भी हो जाए तो आपको बुरा ना लगे। आप अपने मम्मी पापा से कहिए कि वो आपको एक पुरानी टी शर्ट निकाल कर दें। तो अब हमारा पेपर मैशे तैयार हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेपर मैशे तैयार होने पर हम इसे पूरी तरह से पेपर मैशे से ढकने वाले हैं। पहले ढेर सारा पेपर मैशे लें और उसे अपने पॉर्क्यूपाइन के आकार पर चिपका दें। अपने हाथों से इसे चपटा करें ताकि ये एक समान हो जाए। आपको इसे अच्छी तरह से ढकना है इसलिए पेपर मैशे यूज करने में कोई कंजूसी ना करें। आपको पेपर मैशे की काफी मोटी लेयर बनानी है। देखिए ये तो अभी से आकार ले रहा है। इसे और बराबर करने के लिए एक आइसक्रीम स्टिक लें और पूरे सरफेस को ग्लू से ढक दें। इस तरह ये चिकना होने के साथ साथ मजबूत भी हो जाएगा। सरफेस के सूखने से पहले आपको इसमें अपने अलग अलग पेंसिल रखने के लिए छेद बनाने हैं। सबसे पहले एक पेंसिल लें, इसकी टिप को सरफेस में डालें और ऐसे घुमाएं ताकि इसमें छेद बन जाए। आप जितने छेद चाहें उतने बना सकते हैं। जितने ज्यादा छेद होंगे आपके पॉर्क्यूपाइन को उतने ही ज्यादा रंग बिरंगे कांटे मिलेंगे। आपको पेपर मैशे के सूखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हो सकता है इसमें कुछ दिन लगे, इसलिए मेरी मानिए तो इसे घर के किसी ऐसे कोने में रखिए जहां काफी धूप आती हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये सूख गया है कि नहीं।
अरे ये बहुत आसान है, इसके लिए आपको इसे इस तरह बजाना होगा और जब एक कड़क बढ़िया आवाज आए तो मतलब है ये सूख गया है और मजबूत भी बन गया है। देखा जाए तो ये सिर्फ पेपर, पानी और ग्लू से बना है, पर है बहुत भारी। इसे जरा संभाल कर उठाइएगा। अब हमें इसमें रंग भरना है, तो चलिए। एक काले मार्कर से नाक की आउटलाइन बनाइए, कुछ इस तरह से। क्या बात है! साथ ही इसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें भी बनाइए। मैं अपने पॉक्यूपाइन को भूरा रंग दूंगा, पर आप जो चाहें वो रंग दे सकते हैं। इसके लिए थोड़े मोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। वैसे क्यों ना इसको हम इंद्रधनुष रंग दें, वैसे भी वो सारे रंग कितने सुंदर होते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप एक चौड़े ब्रश का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सरफेस काफी बड़ा है और मोटे ब्रश से काम फटाफट होता है। नाक पर पिंक रंग बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं इसकी सुंदर और बड़ी बड़ी आंखों पर सफेद रंग करूंगा। आखिर में पेंट सूखने पर मार्कर से इसकी आउटलाइन भी बनाऊंगा। इसकी आंखों की पुतलियां यहाँ पे बनाइए, कुछ इस तरह, बस दो छोटे छोटे काले सर्कल। अब पैरों के गोल आकार पर काले मार्कर चलाते हुए उन्हें आउटलाइन दे दीजिए। शाबाश, हमारा पॉक्यूपाइन यानी शाही तैयार हो गया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ हिस्सों पर हल्के ब्राउन क्रेयॉन से रंग किया है, और इसी तरह आप कई और डिजाइन भी बना सकते हैं। हेलो मेरे गबरू दोस्त, कैसे हो तुम? अरे तुम्हारे सर पे तो इंद्रधनुष है, पर तुम में अभी भी कुछ कमी है। हाँ, और ये लो, अब तुम्हारा हेयर स्टाइल पूरा हो गया है। और अगर आपके बगीचे में कोई ऐसा गमला पड़ा है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो उसकी मदद से आप ये कैक्टस बना सकते हैं। आपको इसके लिए बस एक मजबूत कार्डबोर्ड पर एक कैक्टस का आकार बनाना है, और उसके बाद न्यूज़पेपर से उसको वॉल्यूम दीजिए ताकि वो फूला हुआ लगे, और एडहेसिव टेप की मदद से उसे कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए। फिर उसे पेपर मैशे से ढक दें और सूखने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक सजाएं। मैंने इसमें पेंसिल इस तरह से लगाई है ताकि लगे कि कांटे हैं। और दोस्तों अब है आपकी बारी, अपनी मनपसंद जानवर, पौधे या किसी भी किरदार के बारे में सोचकर अपना खुद का एक आर्ट अटैक पेंसिल होल्डर बनाने की। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना, आर्ट अटैक का हरा भरा नारियल पेड़। देखिए ये सारी रंग बिरंगी पेंसिल्स किस तरह बिखरी हुई हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे पेंसिल होल्डर बनाते हैं। एक मजबूत कार्डबोर्ड के टुकड़े पर पॉर्क्यूपाइन यानी सयाल का आउटलाइन बनाइए और फिर उसे काट लीजिए। फिर एक न्यूज़पेपर की मदद से उसका आकार बनाइए और टेप की मदद से उसे अपनी ड्राइंग के बिल्कुल बीच में चिपका दीजिए। नाक और पैर बनाने के लिए पेपर के बॉल्स लीजिए और उन्हें भी चिपका दीजिए। न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पानी के प्याले में भिगोइए और फिर उनका पानी छान लीजिए। इसमें ग्लू डालिए और तब तक मिलाइए जब तक वो सॉलिड ना हो जाए। इस पॉर्क्यूपाइन को पेपर मेशी की एक मोटी परत से ढकिए और एक आइसक्रीम की लकड़ी और ग्लू से इसे एक जैसा बनाइए। सूखने से पहले एक पेंसिल लीजिए और उसमें छेद बना दीजिए। अब चैन की सांस लीजिए और उसे सूखने दीजिए। आखिर में पॉर्क्यूपाइन का चेहरा बनाइए और अपने पसंद के रंग से उसे रंग दीजिए। और हाँ, आखिर में डिटेलिंग करना मत भूलिए और फिर क्रेयॉन से इसे एक आखिरी टच दीजिए। मैंने अपने खुद का एक नारियल से बना पेंसिल होल्डर बनाया है। अब मेरी पेंसिल यहाँ वहाँ बिखरी नहीं रहेगी। वैसे आप देख सकते हैं मेरी सारी पेंसिल्स हरे रंग की हैं। वो इसलिए क्योंकि कुदरत का रंग हरा होता है। खैर, आप बस अपने बगीचों के पौधों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या आप कभी एक ऑब्जर्वेटरी गए हैं? ये एक ऐसी जगह है जहां से कि आप प्लैनेट्स और तारे देख सकते हैं और अपनी आर्ट के लिए नई नई प्रेरणा भी ले सकते हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? आप एलेक्स का अगला करिश्मा देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मुझे ये भी बताइए कि उसने इन केबल्स का इस्तेमाल कहां पे किया है।
तो मैं तैयार हूँ अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए। पर मुझे याद आया, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि एलेक्स ने इन केबल्स का इस्तेमाल कैसे किया, तो चलिए फिर से देखते हैं। अरे वो तो उसको हर जगह रख रहा है। अरे ये तो बन गए इसके सितारे। एलेक्स मेरे गुरु, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अगर आपको हार्ट अटैक की दुनिया की बेहतरीन चीजों में खोना है तो जाइए हार्ट अटैक की वेबसाइट www.disney.in पर और पाइए लाजवाब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। जानते हैं, अभी मैं कुछ बना रहा था और तभी मेरी पेंसिल की टिप टूट गई। वैसे कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से शार्पनर से छील सकता हूं। वाओ, जानते हैं, इसने मुझे बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। इन्हें कहते हैं शेविंग और मुझे लगता है मैं इन्हें अपनी ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या आप भी इन शेविंग की मदद से ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। शुरू करते हैं शेर की कलरिंग से। इसकी नाक लाल होगी और ऊपर का हिस्सा होगा ऑरेंज। रंग भरते वक्त पेंसिल को जरा दबाकर कलर करें ताकि ये काफी ब्राइट लगे। हम इसमें काफी सारा पीला रंग इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमें पेंसिल को बार बार छीलना होगा। इसके बाद हमें जो पेंसिल के छिलके मिलेंगे उससे हम जंगल के राजा के बालों को कुछ हटके बनाएंगे। अब बालों पर इस तरह से ग्लू लगाइए। अब इस पर पीले रंग के पेंसिल के छिलके चिपका दीजिए। इन्हें एकदम आराम से लगाइएगा ताकि ये टूटे नहीं। अपनी उंगली से इसे हल्के से दबाइए। देखिए शेर के बाल अभी से कितने घने लग रहे हैं। अब एक काले मार्कर की मदद से शेर की आउटलाइन बनाइए ताकि ये और भी बढ़िया दिखे। ये तो वाकई कमाल लग रहा है। देखिए क्या शानदार बाल हैं। अब आप देखेंगे कि मैं कैसे रंगीन शेविंग का इस्तेमाल करके बाकी की ड्राइंग को कलर करता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी मदद से क्या अमेजिंग ड्राइंग्स बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले बाकी की सारी ड्राइंग में कलर भर दीजिए। पेड़ और उसके फूलों को हरे भरे रंगों से भरें। तने पर भूरा रंग करिए और जब ये हो जाए तो एक काले मार्कर से पूरी आउटलाइन बना दीजिए। अब पीछे नीला रंग भरें, पर हाँ इस बार पेंसिल को दबाइएगा मत, इसे हल्के हाथों से रंग करना है। एक बार फिर से काले मार्कर से आउटलाइन को ट्रेस कर दीजिए। अब पेड़ में फूलों की पंखुड़ियां बनाने के लिए अलग अलग रंगों के छिलके लें। गौर से देखिए कि मैं कैसे ध्यान से चिपका रहा हूं ताकि ये टूटे ना। जरा देखिए तो ये कितना मजेदार दिख रहा है। अब मैं घास पर भी इसी तरह छिलके चिपकाने वाला हूं। इसके लिए पहले आप छिलके नीचे लगाना शुरू करें, उसके बाद ऊपर। आपको इस पूरे नजारे को रंग बिरंगा बनाना है। काफी सारे छिलके इस्तेमाल करिए ताकि ये जंगल हरा भरा लगे। परफेक्ट, आप पेंसिल शेविंग से बढ़िया चीजें बना सकते हैं। और जानते हैं आप ये तकनीक किसी भी डिजाइन पर आजमा सकते हैं। अब मैं आपको अपनी दूसरी ड्राइंग दिखाता हूं। जरा इस खूबसूरत महिला को देखिए जिनका कोट और बाकी की सारी चीजें पेंसिल शेविंग से बनी हुई है ना शानदार। अब इसको भी देखिए, इनके बाल जबरदस्त है ना, क्या यूं कहिए अजीब से हैं। तो अब बहुत हो गया देखना दिखाना दोस्तों, क्योंकि अब है आपकी बारी अपनी पेंसिल शेविंग को इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया कलाकृति बनाने की। मैं एक ड्राइंग बना रहा था मगर मेरी पेंसिल छोटी हो गई, पर मेरे पास काफी पेंसिल्स के छिलके हैं तो मैंने उसे पूरा कर दिया। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और वैसे भी जब भी हम इस्तेमाल की गई चीजों को फिर से इस्तेमाल करते हैं तो एक नेक काम करते हैं। तो दोस्तों याद रहे कि छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े काम होते हैं। कई कहानियां सिर्फ यादों से बनी होती है और कभी कभी एक बड़ी सी याद एक छोटी सी चीज हो सकती है। जैसे कि जब आपका पहला दूध का दांत टूटा था, तो क्यों ना ऐसी यादों को संभालने के लिए एक छोटा सा डब्बा बनाया जाए। ये देखिए मैं इस छोटे से डब्बे में अपना लकी दांत रखता हूँ। ऐसा डब्बा बनाने के लिए आपको
इस तरह के दो प्लास्टिक के ढक्कनों की जरूरत होगी। ये आपको पुरानी प्लास्टिक बॉटल से मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें इनको जोड़कर डब्बा बनाना है, और ऐसा करने के लिए एक ढक्कन को एक पतले कार्डबोर्ड के टुकड़े के किनारे पर रखिए। इस तरह आप जान जाएंगे कि ये कितना ऊंचा है। अब इसके हिसाब से एक लकीर बनाइए और किसी बड़े की मदद से इसे काट लीजिए। काटने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अब इस स्ट्रिप को इस ढक्कन के अंदर अपनी उंगली से अच्छे से बैठा दीजिए और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। और अब आगे देखिए। एक ढक्कन लें और कार्डबोर्ड रेक्टेंगल को उसके अंदर डाल दें। अपनी उंगली से उसे मोड़ें ताकि वो टूट ना जाए। देखा, ये कार्डबोर्ड कैसे अंदर जम गया है। अब इसे आर्ट अटैक पेस्ट से ढक दें, जो कि पानी और ग्लू को बराबर मात्रा में मिलाकर बनता है। ढक्कन के अंदर पेस्ट और न्यूज़पेपर के टुकड़े लगा दें। शाबाश, किनारे पर पहुंचने पर बाहर निकल रहे कार्डबोर्ड को ढक दें ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। आखिर में ग्लू से न्यूज़पेपर के टुकड़ों को लगाते रहें जब तक ढक्कन पूरी तरह ढक ना जाए। एक ढक्कन पूरा होने के बाद आपको दूसरे वाले को भी न्यूज़पेपर और आर्ट टैग पेस्ट से ढक देना होगा। देखिए ये कैसा लग रहा है, और जरा इस किनारे को देखिए जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है। ये एक अहम चीज है, क्योंकि इसी की वजह से डब्बा बंद होने वाला है। कमाल की बात है ना कि आपने दो प्लास्टिक बॉटल के ढक्कन से एक डब्बा बनाया है। चलिए अब अपने मार्कर्स और ब्रशेस लेते हैं और इसे कलर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपनी यादों को संभालने वाले इस डिब्बे पर एक विजडम टूथ बनाएं, यानी अकल का दांत। ये आपको बताएगा कि ये आपके दांत को संभालने के लिए है। अब हमें डिब्बे को रंगना है। मैं ऑरेंज रंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर आप अपना मनचाहा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये डिब्बा अपनी यादें संजोने के लिए बना रहे हैं, इसलिए इस पर अपना मनपसंद रंग कीजिए। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ रंगना है। अब एक पतला ब्रश लीजिए और अपने विजडम टूथ को सफेद रंग दीजिए। सूखने पर काले मार्कर से इसकी आउटलाइन कीजिए। इसके बाद एक पतले मार्कर से इसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए। इसे और बढ़िया बनाने के लिए दांत को एक क्रेयॉन से शेड करें। मैंने ऑरेंज कलर चुना है इस डिब्बे को शेड करने के लिए। अब देखिए आप इसे बंद कर सकते हैं। अरे वाह, ये डिब्बा तो तैयार है। जरा अलग अलग साइज के ढक्कनों को देखिए। अब जब आप ढक्कनों से डिब्बा बनाना जानते हैं तो बस आपको दो एक जैसे ढक्कन लेने हैं और अपनी यादों को संभाल कर रखना है। अब जरा इसे देखिए। इस जामुनी कलर के डिब्बे में मैं वो छोटे छोटे बटन्स यानी बैजेस रखता हूँ जो मुझे बचपन में तोहफे के तौर पर मिले थे। इसलिए मैंने बाहर ये डिजाइन भी बनाया है ताकि मुझे याद रहे। और अब ये देखिए, इस डब्बे में मैं अपने पेपर क्लिप्स रखता हूं, है ना कमाल। अब देखिए इस दूसरे डिजाइन को, इसमें आप अपने बचपन का प्यारा ब्रेसलेट आराम से संभाल कर रख सकते हैं। और अब मैं आपको एक और डिजाइन दिखाऊंगा, इसे देखिए। इस बॉक्स में आप अपनी मनपसंद अंगूठी रख सकते हैं। तो अब आप भी प्लास्टिक बॉटल्स के ढक्कन लें और अपनी यादों को संभालने के लिए जितने चाहे उतने डब्बे बनाएं। अब वक्त है जाने का, पर आपने आज जो भी सीखा है उसे आजमा कर देखिए और कुछ बेहतरीन कलाकृति रचिए और कहानियां बनाइए। अब मैं चलता हूं, पर फिर मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में। बाय बाय एंड टेक केयर।